यानी कि यहाँ पे अबे भाई साहब मुश्किल होगा, ग्रैंडपा ने नहीं देखा, मैं चुप्पे चुप्पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि ग्रैंडी पीछे ही खड़ी थी भाई। हेलो आदाब नमस्कार, मेरा नाम है शदाब और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदी गेमिंग यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई मैंने पिछली बार एक सब्सक्राइबर का चैलेंज लिया था कि भाई आप नो वेपन चैलेंज करो ग्रैनी 2 में, वो भी हार्ड मोड में। तो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसी को देखते हुए हमारे दूसरे प्यारे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया कि भाई आप नो वेपन चैलेंज नहीं, आप नो शॉटगन चैलेंज करो, वो भी ग्रैनी 2 में हार्ड मोड में। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी इस बात को मैं मान लेता हूँ और अब मैं चैलेंज करूँगा भाई हार्ड मोड में नो शॉटगन चैलेंज। यानी कि मैं वेपन चैलेंज तो करूँगा ही, यानी कि शॉटगन नहीं यूज़ करूँगा, मैं करूँगा स्टन गन। तो फटाक से चलते हैं गेम के अंदर और मैं स्टन गन का यूज़ कर सकता हूँ लेकिन शॉटगन का यूज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। हार्ड मोड है, देखते हैं कि इसको मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ। पिछले वाला एपिसोड तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था चैलेंज, इस ये वाला चैलेंज तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा सा ईजी हो गया मेरे लिए कि मुझको भाई स्टन गन मिल गई चलाने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं गेम के अंदर और अब मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो आ गए हैं गेम के अंदर और यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं। चुप्पे चुप्पे करना पड़ेगा भाई क्योंकि अभी मेरे को मिला नहीं, ना स्टन गन मिली है, कुछ नहीं मिला। तो मैं बचने के चांसेस 0 हैं, यानी 10% हैं, और मरने के चांसेस 90% हैं। तो बस मुझको धीरे धीरे करना है और स्टन गन तक पहुँचना है कि स्टन गन है कहाँ पर। बस आ गया, हाँ करते हुआ स्टन गन का क्या मैं चार डालूँगा। और भाई बहुत तेज़ आ रहा है, छुप जा छुप जा। ठीक है, इसको पता तो चल ही गया कि मैं यहाँ कमरे में छुपाऊँ लेकिन ये नहीं पता है कि मैं कहाँ पे एग्जैक्टली छुपाऊँ। पागल का बच्चा दरवाज़ा खोल के चला गया, हो हंसता हुआ जा रहा है कहीं का पागल। चलो भाई चुपचाप निकलेंगे, शायद जा चुके ग्रैनी ग्रैंडपा। ओके दोनों जा चुके हैं, वैसे ग्रैनी का पता नहीं वो आई थी कि नहीं आई थी, ग्रैंडपा आया था। ऑल राइट भाई, बोर्ड की पड़ी है यहाँ पे, तुम समझ सकते हो बोर्ड की भी पड़ी है, तो उसका मतलब मैं बोर्ड से भी भाग सकता हूँ। तो वैसे मैं डोर एस्केप करूंगा क्योंकि भाई ने कहा है डोर एस्केप करने के लिए, तो लेट्स गो मैं डोर एस्केप ही करूंगा। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ है काम की चीज़? यहाँ पे भी कुछ नहीं ना। ऑल राइट ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो गया भाई साहब? यहाँ पे तो कुछ पड़ा भी नहीं ना, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे कुछ है, कुछ तो होना चाहिए भाई डोर एस्केप करने के लिए, कुछ तो होना चाहिए। पहला मिल गया रेंच, जो कि मैं यही यूज़ कर सकता हूँ भाई, बहुत बढ़िया। ओके चलो ठीक है, बढ़िया है। अब रेंच का काम यूज़ पड़ सकता है ऊपर, मैंने इसको यहीं फेंक दिया, मैं बाद में ले लूँगा। ऊपर कहाँ पे? जहाँ पेट है वहाँ पे यूज़ हो सकता है रेंच का। ठीक है, मैं इसको भाई, आवाज़ हुई ग्रैनी ग्रैंड पर कहीं से भी आ सकते हैं। ओके मैं सामने क्रोबार लटक रहा है, लटक क्या रहा है, गिरा पड़ा भाई, सामने पड़ा था भाई, अच्छी बात है मुझको दिख गया। ऑल राइट, अब मुझको भाई यहाँ पे इसको भी हटा देना है प्लैंक को, और डब्बे भी खोलना है। डब्बों में भाई हो सकता है स्टन गन मिल जाए, प्लीज़ 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 स्टन गन मिल जाए। एक बार निचला डब्बा खोल के देखते हैं कि स्टन गन पड़ी होगी, तो भाई अपने चांदी चांदी मजा ही मजा, मजा ही मजा है भाई। फिर तो इसको हटाओ, देखते हैं वेपन की, भाई मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ वेपन की भाई, स्टन गन दे देते मैं वो यूज़ कर सकता हूँ यार। चलो कोई बात नहीं, ऊपर पड़ी होगी भाई वेपन की, वेपन की नहीं सॉरी स्टन गन पड़ी होगी ऊपर, यानी कि यहाँ पर। भाई साहब मुश्किल होगा, ग्रैंडपा ने नहीं देखा, मैं चुप्पे चुप्पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि ग्रैंडी पीछे ही खड़ी थी भाई, मैंने तो देखा भी नहीं। भाई साहब जो मेरा सर पे मारा है ना बल्ला, मेरा सर घूम गया भाई। ठीक है, एक बार मिल जाए बस टन गन मेरे को, फिर बताता हूँ मैं इनको, बहुत ही लोग भाई। ओके यहाँ पे कोई नहीं ना, चलो चलो सीधा चलो भाई ऊपर, स्टन गन भाई प्लीज़ स्टन गन मिल जाए यार, यहीं कहीं पड़ी हो जा यार, यहाँ नहीं ना, छुपा पहले यहाँ। ओके ये क्या, अच्छा कटिंग प्लायर्स पड़ा है, ठीक है कटिंग प्लायर्स मिल गया मेरे को। अब देख लिया तेरी, तो भाई मैं वापस से नहीं जा पाया, इतनी तेज मारा है मेरे सर पे भाई दूसरी बार बल्ला कि मेरा सर फट जाएगा भाई। इसमें यही तो समझ में नहीं आता, जब कुछ मिलता नहीं, अब देखो मुझको स्टन गन की जगह पे वेपन की मिल गई। अब तुम समझ सकते हो यहाँ पे स्टन गन पड़ी होती तो कितना इजी हो जाता भाई मेरे लिए, लेकिन नहीं, गेम वाले भी खेल जाते हैं भाई मेरे साथ। सब्सक्राइबर तो भाई ऐसे ऐसे चैलेंज देते हैं कि मैं क्या बताऊँ भाई, आप लोग भी दे सकते हो जो अभी देख रहे हो वीडियो को, चैलेंज दे सकते हो बढ़िया बढ़िया भाई, जो करने में मज़ा आ जाए। वैसे चैलेंज बढ़िया है लेकिन भाई लोग मारते बहुत बुरा है भाई, खोपड़ा खोल देते हैं भाई।
ओए ओए चुप जा भाई, ग्रैंड ने देखा नहीं है अभी। अरे मेरे भाई, ग्रैनी सामने ही खड़ी थी। जाने दो पहले ग्रैनी को, तब मैं यहाँ से निकलूंगा भाई। ऑल राइट गाइस, मैं चुपचाप निकल तो गया हूँ, लेकिन यहाँ से ग्रैनी ग्रैंड पर जा चुके दोनों। ये बहुत अच्छी बात हुई, ये कर कर आवाज़ हो रही है, मिल गई भाई मेरे को। आओ तुम आओ, ग्रैनी ग्रैंड पर आओ आओ, बताता हूँ मैं हूँ कौन यहाँ भाई कुछ। ओके, डोर हैंडल मिल गया मेरे को, और कटिंग प्लास तो मिल गया, नीचे पड़ा हुआ है, मैंने देख लिया था। ठीक है, इसको खोल देते हैं भाई। ठीक है, देखो कटिंग प्लायर्स मिल गए, जिससे मैं तार वार जो करंट दौड़ रहा है वो ख़त्म कर दूंगा, और दूसरी चीज़ मैं डोर हैंडल लगा दूंगा। बच्चे भाई दो चीज़ें, एक है हैंड व्हील, दूसरा है पैडलॉक की। ये दोनों चीज़ें मेरे को बस मिल जाएं जल्दी से, फिर बताता हूँ मैं इनको, बताता है फिर मैं। एक बार मेरे को ग्रैंडपा को मारने दो, ग्रैंडपा को जब मैं मारूंगा ना, तो मुझको सिक्योरिटी की मिल जाएगी, बस उसी चीज़ का मेरे को फ़ायदा उठाना है यहाँ से। पहले एक को बुलाऊंगा, फिर ग्रैनी, उसके बाद ग्रैंडपा। अबे शिट यार, ग्रैनी तो मर गई, लेकिन ग्रैंड यार वो गोली नीचे रह गई यार। मेरे को ऐसा घूम के जाना पड़ेगा पूरा यार। भाई वो वहीं दरवाजे पे मर गई, और वो गोली उसी में लगी हुई थी। और यार ग्रैनी उठ ना जाए। ओके ये पड़ी है, ग्रैंडपा कहाँ है? ग्रैंडपा वेयर आर यू? अबे हट जी रहा है, उठ। हंस क्या रहा है बे, हंस क्या रहा है तू? हा, क्या कर रहा है कहाँ भाई ये? अबे कहाँ चला गया बे ये क्या वापस चला गया क्या डर के? ओए तब तक क्या ग्रैनी उड़ जाएगी यार। बस एक बार इसको मारने दो मेरे को, बताता हूँ मैं इसको। यार ये उड़ गई, ओके मार दिया, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑल राइट, ग्रैंड पर कोई पता भी नहीं चला है कि मैंने ग्रैनी को मार दिया है। ग्रैंड पर है कहाँ पर ये भी नहीं मालूम मेरे को। अबे जब ये मिलने वाला होता तब दिखता ही नहीं ना ये। देखो अब मुझे की चाहिए, तो अब ये दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया, पूरे घर में नहीं दिख रहा है। अबे कहाँ चले गए बे ये पागलपन इसका, देख तेरी तो साड़े कहाँ घूम रहा है इतनी देर से। दे गोली मेरे को, और की भी दे अब मेरे को, चल सीधा लेट भाई। की दे दे भाई प्लीज भाई, की दे दे भाई, भाई ने की दे दी। चलो ठीक है, यहाँ से भाई मेरे को अब हैंड व्हील मिल जाएगा भाई। पैडलॉक की पड़ी हो भाई, प्लीज़ प्लीज़। तेरी तो साड़ों ने कुछ दिया ही नहीं, पैडलॉक की भी नहीं दी भाई। पैडलॉक की दे दो यार प्लीज़ भाई। ये मत करना कि इस डब्बे में पड़ी है, ये मत करना, मैं बहुत मारूंगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं, पैडलॉक की। तेरी तो पैडलॉक की साड़ों ने कहीं दी नहीं। अबे तेरी, ये मार खाएंगे मेरे हाथों भाई, नशे है भाई इनके नशे। एक सेकंड में क्रोबार लेकर आता हूँ ना, ये डब्बे को खोलता हूँ, इसके अंदर होगी भाई कोई एक चीज़ तो होगी होगी। तेरी तो मैं भूल ही गया था, इतना आवाज़ हो रहा है, ग्रैनी आ जाएगी भाई, मेरा गेम बजा देगी ग्रैनी। यहाँ छुप जाओ पहले ग्रैनी। भाई साहब पीछे ही खड़ी थी मेरे, ये आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। चल मर जा पागल कहीं की, ग्रैंड पर भी आ जा भाई। 30 सेकंड के लिए अच्छा मर रही थी भाई, मुझे लगा भाई 1 मिनट के लिए मर रहे हैं भाई। 1 मिनट तो भाई वो नॉर्मल में मरते होंगे ये लोग। तेरी तो बढ़ाओ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ खत्म होने वाला हो, तभी ये लोग आके मारते हैं भाई, तुम समझ रहे हो? लेकिन ये लोग भाई उससे पहले ही मार देंगे मेरे को, ख़त्म कर देंगे भाई। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। डोर लॉक साड़ा, ये डोर लॉक नहीं हो गया है। आई लाइक इट। आ जा ग्रैनी, गोली खा ले ग्रैनी, गोली खा ले, गोली दे भी दे, ग्रैंडपा भी आ जा, ग्रैंडपा भी गोली खा ले। आया ग्रैंडपा, अभी तो सामने आ गई, दिख नहीं रहा है ग्रैंडपा। और सीधा लेट बे ग्रैंडपा, मैंने तेरी वाइफ का सर फोड़ दिया गिरा के, तू बदला लेगा? आहा चल मर सारा। भाई साहब क्या मारा है, भाग रहा था इस साले, मुझसे भागेगा तू? भाग नहीं सकता तू। ठीक है इसको मरने तो भाई, ग्रैनी यहीं से ना उड़ जाए, प्रकट हो जाएगी तुरंत ही। ठीक है मैं इसको करता हूँ, इसको भी यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है अब मैं इसको ऊपर फेंक देता हूँ, और गन को भी ले जाके ऊपर ही फेंक दूंगा भाई, जो होगा देखा जाएगा बाद में। साड़ा यहाँ फेंक दिया। अबे भाई पता है मैं काम करता हूँ, क्रोबार ले को लेके नीचे भी चला जाता। ओ ग्रैनी यहीं से उड़ गई भाई, 30 सेकंड इतनी जल्दी हो गए थे यार, ये मेरे को नहीं करने देंगे यार। भाई ख़त्म पे ये गेम होने ही वाला है भाई, 90% हो चुका है, 10% बचा है भाई।
अब ये लोग मार देंगे ना भाई मेरे को, बहुत बुरा लगेगा भाई मेरे को, दिल से बुरा लगेगा यार, ऐसे मत करो ग्रैनी यार, ये क्या नाइंसाफी है भाई, जब देखो तब लोग मेरे को मारते हैं। हाँ वो बात अलग है, मैं भी इनको मार रहा हूँ खूब, लेकिन वो कितना ही भाई जरा से मारता हूँ मैं इनको, ये साड़े मेरा सर फोड़ देते हैं। चलो आराम से, अबे यहीं पे खड़ी थी तुम, क्या इंतजार कर रही थी कि अभी आएगा क्रोबार लेकर आएगा, डब्बा खोलेगा, मैं इसका मुंह तोड़ देगी। यार ये क्या बदतमीज़ी है यार, मुझे देखने ही नहीं ना ये सब, ये यहीं पे ही कट करो। ये क्या बदतमीज़ी है भाई, तुम समझ सकते हो बात को, कि ये लोग इतना भाई परेशान कर रहे हैं भाई, भाई 90% कंप्लीट हो गया था यार, और 30 सेकंड में भाई उठे जा रहे हैं, 30 सेकंड भाई ऐसे चुटकी बजाते ही हुए जा रहे हैं भाई, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। देखो भाई मैंने तुम लोगों को कहने पे मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करी थी कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन भाई थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, हार्ड नहीं है वैसे ही, मैं कंप्लीट कर दूंगा आराम से। सामान मुझे बहुत देर में मिला था, स्टन गन मुझे बहुत देर में मिली थी, नहीं तो मैं कंप्लीट कर देता। तो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूंगा, इस चैलेंज को तो मैं कंप्लीट बिल्कुल करूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में तो आप देखना मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा भाई। तो गाइज ये था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करेगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बताना जरूर, और इस वीडियो को हर जगह फैला भी देना। हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और मुझको इंस्टा और फेसबुक दोनों पर फॉलो भी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।